हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सो वी विल स्टार्ट विद कोट विच इज सेड बाय गांधी जी दर इज इनफ फॉर एवरीबडी इज नीड बट नॉट फॉर एनी बडी इज ग्रीड सभी की जरूरतों के लिए तो हमारी मदर अर्थ के पास बहुत कुछ है लेकिन लालची इंसान एक ही काफ़ी है राइट एनी वे हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ इस धरती से एक्सप्लोय किया बेचारी बोल नहीं सकती तो वो कह ही नहीं पा रही है कि स्टॉप इट बट हम हर दिन अपनी धरती माता से बहुत कुछ लेते जा रहे हैं और वापस हम कुछ देने की बात ही नहीं करते हैं तो बात आती है पेड़ उगाने की धरती को रिजिनोट करने की रिवर्स को साफ करने की तब हमारे पास टाइम ही नहीं होता है क्योंकि और बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमारे पास होते हैं एनीवेज आज इन सब चीज़ों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्म प्लाजम कंजर्वेशन कंजर्वेशन बचाना क्यों जरूरी है तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन बिफोर हेडिंग टू द क्लास गाइज इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक गिवन इन यूर चैट बॉक्स और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये सारे फीचर्स आपको ऐप में मिलते हैं बस लिंक पर क्लिक कीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉग इन करना है और एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब एलर्ट्स पावर कैप्स्यूल सब्जेक्ट वाइज क्विज आपको वहाँ पर डेली मिलती है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया है जो सब्सक्राइब दिस चैनल जो कि आपको सुबह दस बजे से रात के आठ बजे तक कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर कंटेंट देता है जो आपके एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है so do subscribe this channel and press the bell icon ताकि हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और टाइमली आप उनको अटेंड कर पाएं moving ahead with the class जैसा कि मैंने आपको बताया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्म प्लाजम कंजर्वेशन यानी कि जर्म प्लाजम को कंजर्व कैसे किया जा सके किया जाए और क्यों करना है that is important question right before heading towards the different questions or different aspects of the topic first i will discuss what is germplasm plasm germ plasm hota kya hai? so starting with the definition uh, sorry starting with the definition germ plasm is the collection of genes of all the individuals hai Na a germ plasm kya hai? जर्म प्लाज्म क्रॉप में भी डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल हेरिडिटी मटीरियल टोटल हेरिडिटल मटीरियल और ऑल द ऑफ़ ऑल द जीन्स दैट आर कलेक्टेड वो जम प्लाजम कहलाता है ठीक है यानी कि डिफरेंट जो जीन्स हैं, मेरे बाल स्ट्रेट uh, हैं, वेवी हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के कर्ली हैं यानी कि तीनों में अलग अलग जीन्स हैं उन तीनों जीन्स को मुझे कंबाइन करना है तो मुझे ऐसे तीनों इंडिविजुअल जीन्स को क्या करना पड़ेगा कंजर्व करना पड़ेगा अपने पास रखना पड़ेगा राइट यानी कि डिफरेंट जितने भी ट्रेड्स हैं और उनकी डिफरेंट जितने भी जीन्स हैं उन सबको हम कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं उनको एक जगह लाने का प्रयास करते हैं दैट इज प्लाजम कलेक्शन जर्म प्लाज्म यानी कि जब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की या प्लांट ब्रीडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तो हम इसको जर्म प्लाजम में कॉन्टैक्ट्स ले जाते हैं जीन्स का और जब हम बात करते हैं नॉर्मली एनवायरमेंट की तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की लेकिन जब आप इंडिविजुअल्स को सेव करते हो तो आप उनकी जीन्स को ऑटोमेटिकली सेव कर रहे हो जैसे कि हमारे पिकॉक द तो नेशनल बर्ड है ना पहले बहुत होता था इंडिया में अब आपको बहुत कम सिर्फ जंगलों में या बहुत ही प्रिमेटिव गाँव गाँव में देखने को मिलता है लेकिन दिल्ली गुड़गांव जैसे सिटीज में या इवन इफ आई टॉक अबाउट माय विलेज तो जहाँ मेरे बचपन में जगह अगर लाइट चली जाती थी बचपन में और छत पे सोते थे तो सुबह मोर बोल बोल के आपको उठा देते थे एंड नाउ देअ नो साउंड ऑफ मोर बिकॉज देर आर नो मोर राइट तो बेसिकली जब एक एनिमल खो रहा है तो उसका जम प्लाजम उसका जीन्स उसका डीएनए भी तो खो रहा है अगर मुझे उसके जीन्स को सेव करना है बेसिकली मुझे उस ऑर्गेनिज्म को बचाना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म को सेव करना पड़ेगा तो उसके जीन्स भी बच जाएंगे तो जर्म प्लाजम कलेक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे जीन्स निकाल निकाल कर और एक पॉकेट में इकट्ठा कर लेना है दैट कैन बी वन मैथड लेकिन आप इंडिविजुअल्स को भी सेव कर सकते हैं जीन्स अपने आप कंजर्व हो जाएंगी तो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन बेसिकली जो एक्सटिंक्ट होने वाले प्लांट्स हैं या वाइल्ड टाइप प्लांट्स हैं बेसिकली उनको कंजर्व करने के लिए हमें हेल्प करता है अभी हाल ही में देखिए आप जितने भी हाइब्रिड हैं और इम्प्रूव वेरायटीज़ हैं इफ़ यू विल जस्ट रिसर्च मतलब कुछ सुपीरियर वेरायटीज़ हैं उन्हीं को हम रीयूज करके हाइब्रिडाइजेशन करे जा रहे हैं सेलेक्शन किए जा रहे हैं और नई नई वेरायटीज़ बनाए जा रहे हैं वी आर नॉट यूजिंग द अदर जर्म प्लाज़म जो जर्म आज, आज आप यूज़ नहीं कर रहे कल को वो क्या होगा टाइम के साथ लॉस्ट हो जाएगा ठीक है तो ये जर्म प्लाजम टाइम के साथ लॉस्ट ना हो क्योंकि वी डोंट नो फ्यूचर में हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए हमें इसे कंजर्व करने की जरूरत है जर्म प्लाजम में सब चीजें इंक्लूड होती हैं फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव टू कल्टीवेटेड वैराइटीज अगर कोई गेहूं फॉरेस्ट अफ्रीका के जंगलों में उग रहा है वो भी गेहूं है आपके फार्मर के फील्ड पर उग रहा है वो भी गेहूं है लेकिन दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं इनके जीन्स इनके एल्स इनका जीरो काफी अलग होगा एक दूसरे से तो उन सबको कलेक्ट करना कंजर्व करना जर्म कलेक्शन कहलाता है राइट right? जर्म में सबसे पहले आती है लैंड रेसेस। लैंड रेसेस क्या होती है लैंड रेसेस वो वेराइटीज हैं जो बिना किसी साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई है यानी कि जो हमारे पूर्वज थे जब तक जेनेटिक्स इन ब्रीडिंग जैसे सब्जेक्ट्स नहीं थे तो वो क्या करते थे वो रैंडमली सुपीरियर प्लांट्स को चूज़ कर लेते थे और उनको अगले साल सीडिंग के लिए रख लेते थे बाकी जो बचा, उसे कंज्यूम कर लेते थे तो इस तरीके से रैंडम सेलेक्शन से उन्होंने कुछ अच्छी वेराइटीज़ बनाई तो उन्हें हम लैंड रेसेस कहते हैं जो बनी तो सेलेक्शन से ही है लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं हुआ कोई साइंटिफिक नॉलेज यूज नहीं किया इट वाज अ रॉ तो उसे हम कहते हैं लैंड रेस सेकेंड इज वेराइटीज वेराइटीलेट वेराइटीज पूरे साइंटिफिक तरीके से ही बनाई गई थी यानी कि लैंड रेसिस से थोड़ी नई है है ना जैसे कि आज से 20 साल पहले जो वैरायटी बहुत फेमस है वो आज फेमस नहीं होगी है ना एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सोनालिका लर्मा रोहो uh, जैसे नाम आपने सुने लेकिन आज कितने लोग जो सोनालिका लगा रहे हैं या लर्मा रोहो लगा रहे हैं हाँ तो uh, या नॉरन को लगा रहे हैं तो बेसिकली जो वेराइटीज प्रॉपरली डेवलप की गई थी लेकिन आज वो फेमस नहीं है आज वो आपको फार्मर्स के फील्ड पर देखने को नहीं मिल रही हैं क्योंकि उनसे बेटर उनसे अच्छी वैराइटीज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है तो फार्मर्स आर प्रीफरिंग दैम फार्मर उनको प्रीफर कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है उन वेराइटीज़ को अभी कोई नहीं लगा रहा उन वेरायटीज़ को हम किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी यूज़ नहीं कर रहे तो धीरे धीरे क्या होगा वो वेराइटीज़ लॉस्ट हो जाएंगी लॉस्ट ना हो इसके लिए हम उनको कहाँ कलेक्ट करते हैं जम प्लाजम में कलेक्ट करके रखते हैं सो दीज आर एब्सिलट वेराइटीज देन कल्टिवेटिड वेराइटीज जो ऑलरेडी फार्मर्स के फील्ड पर आपको दिखाई दे रही हैं जो कॉमनली यूज हो रही है उनको कल्टिवेटिड वेराइटीज कहते हैं उसके बाद आती हैं ब्रीडिंग लाइन्स वो स्पेशल लाइन्स जो अभी फार्मर के कल्टिवेशन में तो नहीं है लेकिन ब्रीडर अपने पास रखता है अपनी स्टडीज के लिए अपनी स्पेशल रेफरेंसेज के लिए अपने यूटिलाइजेशन के लिए तो उनको ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं जैसे कि रिल्स रिकॉम्बिनेंट इन लाइंस या फिर निल्स यानी कि नियर आइसोजेनिक लाइंस ये सभी लाइंस क्या है ब्रीडिंग लाइंस हैं और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज वाइल्ड रिलेटिव जिनको किसी ने नहीं लगाया जिनको किसी ने कल्टिवेट नहीं किया वो आज भी फॉरेस्ट में रॉक फॉर्म में पाई जाती है उन्हें वाइल्ड रिलेटिव्स कहते हैं बेसिकली यानी कि सभी प्रकार के प्लांट्स को अगर आप कंजर्व करते हैं तो वो उस प्लांट का क्या बन जाता है जम प्लाज़म बन जाता है ठीक है अगर मैं वीट का जम प्लाजम कर रही हूँ तो चाहे वो रोड साइड पे मिल रहा है चाहे वो फॉरेस्ट में मिल रहा है चाहे फार्मर्स के फील्ड पर मिल रहा है चाहे पुराने जमाने की वैरायटी है चाहे नए जमाने की वैरायटी है सब को मुझे कलेक्ट करना है दैट इज जम प्लाज़म कलेक्शन टर्म विमिंग जीन पुल क्या होता है सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट था जीन पुल का ये हार्लेन एंड डी वेट ने दिया था जीन पुल भी यही कहता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एल्स और डिफरेंट जीन ऑफ द इंडिविजुअल स्टार मार्क कंडीशन विच कैन रिप्रोड्यूस अमंगस तो जीन पूल और जर्म प्लाजम में क्या डिफरेंस है जब आप इनकी डेफिनेशन बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं एक ही बात है जीन पूल हो या जर्म प्लाजम हो बट एक थिन लाइन डिफरेंस है जीन पूल और जर्म प्लाजम में जर्म प्लाजम में हम उस प्लांट से रिलेटेड जो भी स्पीशीज डिप्लॉइड है वी डोंट केयर हमें उसे कलेक्ट करना है ठीक है जीन पूल सिर्फ उनको कंसिडर करेगा जो आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं जो आपस में क्रॉस करके एक प्रोजनी को जन्म दे सकते हैं वो सेम जीन पूल में फॉल करते हैं जैसे कि मान लीजिए एक वाइल्ड व्हीट प्लांट है जो कि मुझे अफ्रीका के जंगल से मिला है और एक फार्मर से मैंने व्हीट प्लांट उठाया है अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करवाती हूँ और इन दोनों के क्रॉस से मुझे हाइब्रिड नहीं मिल रहा है I am failing again and again. Actually, नहीं लेते हैं। अगर हाइब्रिड की बात है मेज ले लेते हैं ठीक है तो मेज ले लेते हैं तो अब मैं इन दो मेज को क्रॉस करवा रही हूं तो मुझे कुछ भी हाइब्रिड नहीं मिल रहा है मैं हमेशा फेल हो रही हूँ तो दैट मीन्स सेम प्लांट्स बट दे आर नॉट फॉलिंग इन द सेम जीन पूल वो सेम जीन पूल में फॉल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन है उनके अलग हो, हो सकते हैं कोई सब जीन हो सकता, कुछ भी हो सकता है बट आई एम नॉट गेटिंग द हाइब्रिड दट मीन आई कैन नॉट मेक दम इन द सेम जीन पूल ठीक है तो जीन पुल में यहाँ देखिए प्राइमरी जीन पुल होता है प्राइमरी जीन पुल का मतलब है कि ये जो सारी स्पीशीज है दे कैन क्रॉस विद ईच अदर ये अब कि एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा सकती कर सकती है ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सारी जो पॉपुलेशन है दे कैन ईजिली क्रॉस विद ईच अदर ये सभी जो है एक दूसरे के साथ ईजिली मेट कर सकते हैं और प्रोजनीज पैदा कर सकते हैं इनको एक दूसरे के साथ मेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ठीक है साथ ही साथ ये दूसरी पॉपुलेशन है ये भी एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं इनमें आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये क्या है दो अलग अलग जीन पूल है ये आपस में मेट कर सकते हैं ये एक जीन पूल है ये आपस में मेट कर सकते हैं ये दूसरा जीन पूल है तो जो आपस में फ्रीली मेट कर सकते हैं दे कैन मेट फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स, जिनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे फर्टाइल होंगे है ना तो वो क्या होंगे वो सभी प्राइमरी जीन पूल में फॉल करते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको प्लांट्स का लेना है लेकिन यहाँ पर मैंने इन इंसेक्ट्स को इसलिए दिखाया है क्योंकि ये पिक्चर बहुत साफ और अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर रही थी वॉट्स गोइंग ऑन ठीक है द नेक्स्ट कम्स इज द सेकेंडरी जीन पूल सेकेंडरी जीन पूल क्या कहता है सेकेंडरी जीन पूल कहता है अब जैसे कि ये एक प्राइमरी जीन पुल है मैंने आपको बताया था जी पी वन प्राइमरी जीन पुल ये दूसरा है ये अपना जीन पुल है जीपी वन ही लिखेंगे ठीक है ये टू कर देते हैं सॉरी टू एक्चुअली टू नहीं होगा है ना? Mm, क्या नाम रखें बेसिकली यही समझिए यहां पर ये दो अलग अलग जीन पूल्स हैं है ना? ज, ये ये भी प्राइमरी जीन पूल है आपस में ये प्राइमरी जीन पूल है आपस में ठीक है लेकिन है तो दोनों कॉकरोच कीड़े जो भी है है ना सेम स्पीशीज ही है अगर ये एक दूसरे के साथ क्रॉस कर पाते हैं है ना अब ये देखिए ये ब्राउन वाला यहां पर आया और इस ब्राउन वाले ने इस ग्रीन वाले के साथ क्या किया क्रॉसिंग की ना? और ये कर पा रहा है रहे पार्शियल हाइब्रिड मिल रहे पार्शियली फर्टाइल यानी कि पूरे तरीके से फर्टाइल हाइब्रिड तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन पार्शियली फर्टाइल हाइब्रिड मिल रहे हैं इनमें जो जीन क्रॉसिंग है जीन फ्लो है वो पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यानी कि सो में से एक क्रॉस ही सक्सेसफुल हो पाएगा टाइप्स ठीक है तो ये क्रॉसिंग तो कर पा रहा है लेकिन हो सकता है कि भाई मतलब सो केस में से एक कर पा रहा है तो यहाँ पर जीन फ्लो पॉसिबल है हो भी रहा है और जो यहाँ आपको हाइब्रिड्स मिल रहे हैं ये क्या मिल रहे हैं पार्शली फर्टाइल मिल रहे हैं तो इस जीन पूल के लिए ये वाले कॉकरोच क्या है सेकेंडरी जीन पूल है ठीक है ये कॉकरोच आपस में सब फ्रीली मेट कर सकते हैं और फर्टाइल हाइब्रिड दे सकते हैं तो ये सभी प्राइमरी जीन पूल है ये कॉकरोच जब इन कॉकरोच के साथ मेट करते हैं तो ये पार्शियल हाइब्रिड देते हैं पार्शियली फर्टाइल हाइब्रिड देते हैं और क्रॉसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बट हो जाती है तो इनके लिए ये क्या है सेकेंडरी जीन पूल है क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है ठीक है तो क्या है सेकेंडरी जीन पूल है द थर्ड इज द टर्शरी जीन पूल द थर्ड इज टर्शरी जीन पूल टर्शरी जीन पूल क्या होता है कि दो स्पीशीज जब आपस में क्रॉस करवा रही है तो या तो उनका क्रॉस नहीं होगा बाय चांस हो गया तो जो वो हाइब्रिड आपको मिलेगा वो फर्टाइल नहीं होगा बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होगा पार्शियल की भी बात नहीं है वो क्या होगा स्टेराइल हाइब्रिड होगा तो इसे हम कहते हैं टर्शरी जीन पूल टर्शरी जीन पूल में अक्सर डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट जेंड्राज के लोग आते हैं जिनसे क्रॉस करवाने में बहुत डिफिकल्टी होती है ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मेल डंकी का फीमेल होर्स के साथ मीटिंग होता है सो दे आर रिलेटेड लेकिन डिफरेंट स्पीशीज हैं है ना ये इक्स एनिक है ये इक्स कैबेलिस है ठीक है स्पीशीज डिफरेंट है लेकिन सेम जेनरा के हैं बॉडी स्ट्रक्चर सेम है दे मेट ईच अदर ये मेट कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मीटिंग में आपको एक आ, म्यूल मिलने वाला है

तो जीन फ्लो तो हो रहा है तो हो रही है, हाइब्रिड तो मिल रहा है लेकिन वो हाइब्रिड आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ये जीन फ्लो यहीं पर रोक दिया जाता है तो ये होता है टर्शरी जीन पूल, यानी कि जिनके साथ क्रॉसिंग या तो हो ही ना पाए हो पाए तो हाइब्रिड स्टेराइल हो ऐसे लोग जिनके साथ ऐसा क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं प्लांट्स वो जिन प्लांट्स के साथ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो जो प्लांट हाइब्रिड प्लांट हमें मिल रहा है वो स्टेराइल प्लांट मिल रहा है ऐसे प्लांट्स को हम टर्शरी जीन पूल में डालते हैं ठीक है सो दिस इज टर्शरी जीन पूल जीपी वन प्राइमरी जीन टू टर्शरी जीपी थ्री ट्रांसफर इज वेरी डिफिकल्ट जीन ट्रांसफर बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इसमें आपको स्टेराइल हाइब्रिड्स मिलते हैं सो so, बेसिकली इस तरीके से आपकी हिरारे की है जैसे कि जो प्राइमरी जीन पूल में लोग हैं ये आपस में फ्रीली मेट कर सकते हैं और फर्टाइल हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन अगर ये सेकेंडरी जीन पूल के साथ क्रॉस करेंगे तो पार्शियली फर्टाइल हाइब्रिड मिलेंगे क्रॉसिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी लेकिन अगर ये टर्शरी जीन पूल के साथ क्रॉस करेंगे तो स्टेराइल हाइब्रिड्स मिलेंगे और काफ़ी डिफिकल्टी होगी जीन ट्रांसफ़र में वहीं आपका अगर क्वार्टनरी जीन पूल में जाता है है ना जीपी फोर में जाता है तो यहाँ पर जीपी फोर को हम ट्रांस जीन्स कहते हैं मतलब इनके साथ तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है अगर इनके साथ आपको क्रॉस करवाना है तो एक ही मेथड है वो है रिकमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक्स और जीन ट्रांसफर थ्रू बायोटेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे ठीक है तो ये चार जीन पूल्स होते हैं तो जेन पूल और जम प्लाजम में क्या है जम प्लाजम हो सकता है जीपी टू में और जी वन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम एक जम प्लाजम में डालेंगे बट बिकॉज दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर फ्रीली तो हमको डिफरेंट जीन पूल्स में डाल सकते हैं ठीक है ये डिफरेंस होता है जम प्लाजम एंड जीन पूल्स में सो so, ये पिक्चर काफी अच्छे से समरी दिखाती है वट आर जीन पूल्स इन हाउ दे कैन बी क्रॉस विद ईच अदर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड देट इज जर्म प्लाजम कलेक्शन जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी कह चुकी हूँ कि कलेक्शन क्या होता है और क्यों जरूरी होता है जैसे काफ़ी लोग करेंसीज कलेक्ट करते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज कलेक्ट कर ली है uh, क्योंकि वो डिफरेंट वराइटीज़ कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जैसे आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ करेंसी कलेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से अगर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं तो इसको जम प्लाजम कलेक्शन कहते हैं ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जम प्लाजम कलेक्शन कहेंगे जम प्लाजम कलेक्शन के प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं एंड दैट स्टार्ट विद द एक्विजिशन यानी कि सबसे पहले तो कलेक्ट करना है अगर मुझे ग्रीस की करेंसी चाहिए तो मेरे पास क्या दो ऑप्शन होंगे द फर्स्ट वन इज मैं खुद ग्रीस घूमने जाऊं एंड वहां से करेंसी लू राइट सेकेंड ऑप्शन मैं क्या कर सकती हूँ मेरा कोई फ्रेंड जा रहा है अरे यार जब तुम ग्रीस से वापस आ रहे हो एक कॉइन बचा के लाना मुझे कलेक्ट करना है थर्ड ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हम अपनी इंडियन रुपीस को ग्रीस करेंसी में चेंज कराएं लाएं और रखें तो वट एवर सुटेबल टू यू इसी तरीके से एक्विजेशन में आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं एज ए गिफ्ट भी आपको मिल सकता है खुद ओरिजिन uh, प्लेसेस पर जाकर उसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं है ना चाहे खुद जाके लाइए चाहे किसी से एक्सचेंज कीजिए चाहे गिफ्ट की फॉर्म में लीजिए आपके पास वो चीज़ आ गई है यानी कि आपका एक्विजिशन जो है कंप्लीट हो गया है अब आप क्या कलेक्ट करके छोड़ देंगे अब उसे कंजर्व करना है है ना करेंसी uh, को लाके ऐसे कहीं भी तो नहीं छोड़ देंगे गुम हो जाएगी यू विल इन अ सेफ बॉक्स आप सेफ बॉक्स में रखेंगे तो इसी तरीके से इनका कंजर्वेशन जरूरी है यहाँ पर हम एक्टिव uh, कलेक्शंस और वर्किंग कलेक्शंस की बात करेंगे तो व्हाट आर दिस एक्टिव कलेक्शंस एंड वर्किंग कलेक्शंस है ना एक्टिव कलेक्शन वो होते हैं जिनको आप टाइम टू टाइम यूटिलाइज करने वाले हैं है ना लाइक फाइव टेन ईयर्स के लिए आपको सेव करके रखना है तो होता है एक्टिव कलेक्शन लेकिन जिसको ब्रीडर अभी प्रेजेंट हाल ही में वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है उनको हम वर्किंग कलेक्शन में रखते हैं इनका टेन ऑर पीरियड फाइव ईयर्स का होता है वही एक बेस कलेक्शन होता है यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई वाइल्ड रिलेटिव हमें मिलाए हमने सिर्फ इसलिए रख लिया क्योंकि हमें डाइवर्सिटी रखनी है लेकिन अभी हमें उसका कोई यूटिलाइजेशन समझ नहीं आ रहा है कि वी आई कैन नॉट यूटिलाइज एनी तो ऐसे कलेक्शन को मैं बेस कलेक्शन में रखूंगी जिसको मुझे लीस्ट से लीस्ट डिस्टर्ब करना है है ना वो पंद्रह बीस साल हो या पच्चीस साल हो या सौ साल हो वो ऐसे ही रहेगा तो उसको हम बेस कलेक्शन में रखते हैं विच कैन बी मोर देन ट्वेंटी ईयर्स अगर बीस साल से ज्यादा आपको सेफ रखना है तो आप बेस कलेक्शन में उसको रखते हैं तो बेस कलेक्शन को सबसे कम डिस्टर्ब किया जाता है फिर एक्टिव कलेक्शन को और फिर वर्किंग कलेक्शन को वर्किंग कलेक्शन में जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो फाइव डिग्री के आसपास रखते हैं फाइव टू टेन डिग्री यानी कि रेफ्रिजरेटर जैसा टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर इज ए आई थिंक फोर डिग्री ऑलमोस्ट ठीक है एक्टिव कलेक्शंस को जो है आप थोड़ा सा और नीचे रख सकते हैं लेस दैन फाइव एंड जो आपके बेस कलेक्शंस होते हैं वो तो बिल्कुल जीरो डिग्री पर ही रखे जाते हैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ठीक है उसके बाद आपने कंजर्व कर लिया लेकिन टाइम टू टाइम आपको क्या करना है कंजर्व करने से पहले उनकी कैटेलॉगिंग करनी है येस कैटेलॉगिंग यानि कि उसको सैम्पल नंबर देना है उस सैंपल में क्या खासियत है पॉजिटिव्स है निगेटिव्स है पूरी कैटा उसकी होगी जो कंप्यूटर में फीड होगी अगर मुझे कोई बोलेगा मुझे ये वाला स्पेसिफिकेशन चाहिए मुझे वीट का प्लांट ऐसा चाहिए जो येलो रस्से रजिस्टेंस हो तो पहले मैं अपने लैपटॉप में देखूंगी अपने डाटा बेस में देखूंगी फिर मुझे पता चलेगा शेल्फ नंबर फाइव पे जो थर्ड आ, सीड है वो इसी चीज़ के लिए है वो मैं उठा के उसे दे दूंगी ठीक है तो कैटेलागिंग करनी है कंजर्वेशन करनी है है ना मैनेजमेंट में हम उसके टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे सीड्स ऐसे थोड़ी ना सालों साल रखे रहोगे और एक दिन उगाओगे और वो प्लांट दे देगा हर सीड की अपनी एक लाइफ होती है है ना आ, बीच बीच में आ, वैसे भी उसको कोई हार्म हो सकता है है ना तो टाइम टू टाइम उन्हें रीजनरेट करके रखना होता है रिफ्रेश करना होता है ताकि वो बने रहे उनकी प्लांटिंग वैल्यू जो है वो खत्म ना हो तो वो आप मैनेजमेंट में करते हैं उन आ, जो भी आपका जम प्लाजम है उसे आप कैरेक्टराइज भी करते हैं जैसा कि आप कुछ उसमें नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव्स हैं उसकी ईल अच्छी है किसी डिजीज से रेजिस्टेंस है किसी एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस है तो वो सारी चीज़ें आप कैरेक्टरस्टिक्स में लिखते हैं उसके बाद आप उसको कंजर्व करके रखते हैं और लाइक इफ यूर आप प्लांट ब्रीडर मैं एक प्लांट ब्रीडर हूँ मैं जाऊंगी अपने पीजीआर के पास यानी कि नेशनल ब्यूरो जेनेटिक है ना तो आ, फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसकी एक बार है ना कई बार पूछ ली जाती है एन बी पी जी आर ज्यादातर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस को सेव करने का काम जिम्मा पूरा है एन बी पी जी आर का ही है नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट रिसोर्सेज तो ये जो आपके एन बी पी जी आर है ये सबको कंजर्व करके रखे हुए हैं मैं अब एन बी पी जी आर से रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली प्रोवाइड मी अ प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट इन व्हीट है ना तो वो अपने कलेक्शन में देखेंगे अगर उनके पास होगा तो वो मुझे यूटिलाइज करने के लिए दे देंगे लेकिन पूरा नहीं देंगे है ना मल्टीप्लाई करके देंगे क्योंकि उनको फिर दोबारा किसी प्लांट ब्रीडर ने मांग लिया तो तो उन्हें सेव करके भी रखना है ताकि फ्यूचर में फिर से यूज़ किया जा सके है ना तो इस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है टू फॉर्म न्यू न्यू हाइब्रिड्स और इन एनी रिसर्च एरिया जहां पर भी प्लांट ब्रीडर उसको यूज करना चाहे उसको यूज किया जा सकता है तो ये स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ जम प्लाजम कलेक्शन उसके बाद आता है एन आई वेवीलोव की कहानी तो जैसा कि मैंने बताया था शुरू में एक्विजिशन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं गिफ्ट्स भी ले सकते हैं बट व्हाट इफ़ यू हैव टू गो एंड गेट योर सेल्फ कहाँ जाऊँगी मैं मुझे कहाँ गया है वेट का एक प्लांट लाना है जो येलो रस से रेजिस्टेंट है इस इतने बड़े मैप में इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कहाँ जाना चाहिए सो so, वो आपको हेल्प करता है सेंटर्स ऑफ ओरिजिन जिस क्रॉप का जहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो एन आई लोव ने ये सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन दिए जिन्हों जहाँ पर उन्हें आठ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन दिए वो कहते हैं कि ये जो सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन है ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको क्रॉप की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल सकती है और डायवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी तो आपको अपना प्लांट मिलने की जो जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी है ना सो एन आई हेल्प्स विल्प्स एन आई वेवी लो ने ही ये दो टर्म भी दी थी प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ औरजिन तो वो कहते हैं कि कुछ प्लांट्स की तो डाइवर्सिटी वहीं सबसे ज़्यादा है जहाँ पर वो ऑरिजिनेज हुए थे लेकिन कुछ प्लांट्स के आप सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन देख सकते हैं यानी कि डाइवर्सिटी दूसरी जगह भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन है जो प्राइमरी से वहाँ सबसे पहले शिफ्ट हुआ था या ट्रांसफ़र हुआ था उन्हें सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन कहते हैं

देन टू ए टू जो है उन्होंने ए और बी पार्ट में भी बांटे हैं द साउदर्न चाइल्ड है ना चाइल्ड एंड ब्राजील ब्राजील पेरू चाइल्ड ये बेसिकली तीनों ही सेकंड है ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकंड है नाउ द थर्ड इज योर मेडिटरेनियन है ना मेडिट्रेनियन इसमें काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है मेडिरेनियन ये वाला हिस्सा आपका मेडिट्रेनियन आएगा उसके बाद आपका आ जाता है मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट देन ये आ जाता है आपका सेंट्रल एशिया है ना दिस इज योर सेंट्रल एशिया एंड फिफ्थ वन वॉज योर इथोपिया द सेवेंथ वन इज योर इंडो बर्मिज इंडो बर्मरिज ठीक है सो so ये आपके जो है uh, आठ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन दे एन आई वेवीलोव में ठीक है दीज वर द एट सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन गिवेन बाई वेवीलोव तो आपसे सेंटर्स ऑफ औरिजन के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में है ना वीट का सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या है राइस का सेंटर ऑफ औरजिन क्या है पोटैटोज़ का सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या है सो दीज आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बीडी सिंह की किताब में इजिली गिविन है, है ना उनको आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा और उसको याद आपको रखना पड़ेगा बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है है ना लेकिन अब एक और साइंटिस्ट आते हैं कुछ टाइम बाद वो कहते हैं भाई ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस क्रॉप का जहां जन्म हुआ है वहीं पर वो डायवर्सिटी भी सबसे ज्यादा दिखाएगा है ना डायवर्सिटी तो वहां सबसे ज्यादा होगी जहां पर वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट होगा क्योंकि एक एन्वायरमेंट में चाहे वो क्रॉप वहीं पर हुई है एक एन्वायरमेंट में सब एक जैसे लोग ही होंगे एक जैसे ही प्लांट होंगे क्योंकि वो एक जैसे इनवायरमेंट में रह रहे हैं तो जहां एनवायरमेंट वेरिएशन ज्यादा होगा डायवर्सिटी वहां पर ज्यादा होगी तो ये कहा ये कहा जुकॉफी उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जरूरी नहीं है कि डायवर्सिटी के भी सेंटर हो और फिर उन्होंने 12 मेगा सेंटर्स दिए जहां पर उन्होंने सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी टर्म का यूटिलाइजेशन किया ना कि सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन का कि ये वो सेंटर्स है जहाँ पर इस क्रॉप की डायवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी वो ऑरिजिन का क्लेम नहीं करते कि इसी जगह पर वो क्रॉप ऑरिजिनेट हुई होगी बट शोरली डाइवर्सिटी वहाँ सबसे ज्यादा मिलेगी गेव दिस नाइनटीन राइट तो एन आई ने जहाँ आठ सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन दिए थे जो कॉस्टल्व मेगा सेंटर्स दिए थे साथ ही साथ एक और टर्म आती है यहाँ पर माइक्रो 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 सेंटर माईक्रो सेंटर ठीक है दिस सेंटर एक बड़े सेंटर में एक छोटा पीस जहां पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है जैसे कि यह पूरा एरिया है यहां पर बहुत डायवर्सिटी है लेकिन इस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड डाइवर्सिटी है ठीक है तो ये जो एरिया जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है स्मॉल एरिया को बड़े एरिया में स्मॉल एरिया को हम क्या कहते हैं माइक्रो सेंटर्स कहते हैं है ना सो दिस कॉल्ड माइक्रो तेन काम जाम प्लाज्म कंजर्वेशन अप्रोचेस अप्रोच क्या है तो अप्रोच दो प्रकार की होती है एक्स सी टू एंड इन सी टू अप्रोच एक्स सी टू एक्स मतलब बाहर ठीक है एक्सिटो कंजरवेशन यानी कि बाहर जो कंजरवेशन होगी वो होगी आपकी इनविट्रो या कन्वेंशनल या फिर फील्ड जीन बैंक बाहर का मतलब ये नहीं घर से बाहर बाहर का मतलब ये है उस क्रॉप के ओरिजिनल प्लेस से बाहर जहां पर वो थी आप वहाँ से उस प्लांट को उखाड़ कर ले आए हैं आपने अपने घर पे लगा लिया है अपनी लेबोरेटरी में रख लिया है तो आप उसके ओरिजिन प्लेस से उसको उठा कर ले आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन कर रहे हैं भाई जहाँ पर प्लांट था आपने उसी के चारों तरफ फेंसिंग बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है तो ये इन सी टू कंजर्वेशन होता है क्योंकि आपने जो उसका प्लांट का ओरिजिन प्लेस था उसको चेंज uh, नहीं किया, वो अभी भी वहीं पर है तो ये कहलाता है इन सी टू कंजर्वेशन राइट तो एक्सिटू कंजर्वेशन यानी कि जब हम किसी भी प्लांट के पहले इनसी टू पढ़ेंगे इन सी टू कंजर्वेशन यानी कि वहीं पर नेचुरल हैबिटेट में हमें उसे कंजर्व करना है जैसे कि नेचुरल पार्क्स हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं ना ये क्या हैं आपके रिज़र्व एरियाज होते हैं तो ये सब आपके क्या हैं ये नेचुरल जो हैबिटेट हैं उसको रिज़र्व कर देते हैं फेंस कर देते हैं और बता देते हैं भाई ये एरिया रिजर्व है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है इस फेंसिंग को काटे ना और अगर आप अंदर पाए गए तो आप पर फ़ाइन लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा राइट और जो यहां पर नेचुरल हैबिटेट है चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं वो अपनी जिंदगी फ्रीली जी सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस तो इसको हम कहते हैं इन सी टू कंजर्वेशन ठीक है क्योंकि ह्यूमंस जहां पहुंचते हैं वहां तबाहिया ही मचा देते हैं तो लास्टली ह्यूमंस को इन प्लेसेस से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि वहां के एनिमल्स वहाँ के प्लांट्स अपने ही घर में फ्रीली रह सके ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक्सी टू कंजर्वेशन की त, आ, तरफ तो एक्सी टू कंजर्वेशन का मतलब है आप वहां पर प्लांट को छोड़ के नहीं आए आपको भरोसा नहीं था कि भाई यहाँ छोड़ दूंगा तो ये आस के लोग इसे तोड़ेंगे नहीं तो आप अपने साथ ले आए तो हो गया एक्सी टू कंजर्वेशन बिकॉज आपने उसके ओरिजिनल प्लेस से उसे बाहर निकाल लिया एक्सी टू कंजर्वेशन कैन बी द इन द फॉर्म ऑफ सीड्स आपने प्लांट से सीड्स रखे ऐसे डब्बे में भरके रख दिए शेल्फ पे दैट इज सीड बैंक आपको सीड बैंक नहीं रखना है या आपका प्लांट सीड प्रोड्यूस ही नहीं करता है तो आप ऐसे प्लांट फॉर्म्स में भी रख सकते हैं है ना तो ये, ये बन जाएगा प्लांट बैंक तो प्लांट की फॉर्म में रख रहे हैं प्लांट बैंक सीड की फॉर्म में रख रहे हैं सीड बैंक ठीक है उसके बाद आता है शूट टिप बैंक शूट टिप बैंक यानी कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ चुके बायोटेक्नोलॉजी में तो हम स्लो ग्रोइंग कल्चर्स रखते हैं स्लो ग्रोइंग कल्चर्स से हमें हेल्प ये मिलती कि हमें वायरस फ्री प्लांट्स मिलते हैं ये ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वेजिटेटिवली प्रोपगेट किए जाते हैं ऐसे प्लांट्स को आप जो है स्टेम सॉरी शूट टिप मेरी स्टेम के उसमें रख सकते हैं करना कुछ नहीं है जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक है बस वही टेक्निक है शूट टिप लेंगे एज आ एक्स प्लांट और उस पर आप ग्रो करेंगे बट दीज आर स्लो ग्रोइंग मीडिया ताकि प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो ज़्यादा जल्दी से बड़ा ना हो है ना तो ये स्लो ग्रोथ मीडिया में रखा जाता है प्लांट स्पीशीज विच हैव रिकल्सिनट सीड्स रिकल्सिनट सीड्स कौन से होते हैं विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम उनको भी हम शूट टिप कल्चर की हेल्प से यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज द डी एन ए बैंक है ना भाई हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो हम डी एन ए बैंक रख सकते हैं डीएनए बैंक में करना क्या है स्पीशी की लीफ लेनी है सीड लेना है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है और उस डीएनए को आप लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो इससे होगा क्या कि डीएनए से आपकी जीन्स हमेशा आ, सेफ रहेंगी और जब आप क्रायो प्रजर्वेशन करते हैं तो ये काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलते हैं कोई मेंटेनेंस नहीं करनी कुछ नहीं करना एक बार डीएनए निकाल के क्रायो प्रजर्वेशन में सेव करके रख देना है जब भी आपको ऐसे जीन्स की जरूरत पड़ेगी यू कैन एक्सट्रैक्ट द डीएनए आउट वहाँ से जीन निकालेंगे रिकम डीएनए टेक्नोलॉजी से और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से तो ये होता है डी बैंक जहाँ पर आप प्लांट्स का डी एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं ठीक so, है सो ये चाहे वो डीएनए बैंक है चाहे वो सीड बैंक है चाहे वो प्लांट बैंक है यू आर टेकिंग द प्लांट आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लेस ये सभी एक्स सी टू कंजर्वेशन में आते हैं यानी कि आप उनको कंजर्व कर रहे हैं लेकिन उनके हैबिटेट से बाहर कर रहे हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन इज मच ईजियर देन इन सी टू कंजर्वेशन क्योंकि uh, एक जगह होता है आपके सामने होता है एंड बेटर मैनेजमेंट होता है वहीं इन सी कंजर्वेशन का ये कि आपको लैब uh, मतलब एरिया ओपन है आपने लोगों को कह तो दिया कि मत आइएगा लेकिन कौन लोग मानते हैं इंडिया जैसी कंट्री में राइट right? तो वहाँ पर उनके लॉस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं सो दिस वाज जम प्लाजम कलेक्शन और जम प्लाजम कंजर्वेशन Hopefully फुली यू दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहली बात एंड होपफुली फुली आपके जो डाउट्स होंगे रिलेटेड टू जम प्लाजम कलेक्शंस वो क्लियर हुए होंगे दिस इज द मोस्ट ईजीएसट चैप्टर ऑफ योर सलेबस बट स्टिल आई फाइंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर को ईजी समझ गए तो पढ़ते नहीं हैं या बहुत जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं कि वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो गलत अटेम्प्ट करते हैं एनीवे वे दिज आर योर अदर बैचेस गाइस झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर या आईबीपीएस बी कंप्लीट फाउंडेशन बैच जहाँ पर प्री और मेंस दोनों आपके इंक्लूडेड है या आपका आईसीआर सी आर पीजी पी का रिकॉर्डेड बैच भी आपको यहाँ उपलब्ध है फीस तीनों के यहाँ पर मैंशन है आपको बस करना क्या है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन के बाद आपको ये कोड लगाना है टू एनरोल इन दीज बैचेस यू विल गेट सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ ऑन ऑल योर बैचेज साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू कैन इनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक यहाँ पर यहाँ जितने भी बैचेज आप देख रहे हैं सभी एग्रीकल्चर महापैक में आपको अवेलेबल हैं चाहे वो आपका एम एस सी बैच हो चाहे वो आई सी आर का बैच हो आई बी पी एस सी एफ ओ का बैच हो इफ इफ को को या एफ कोई भी बैच हो वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं एंड नॉट जस्ट एंड देयर क्लासेस उनकी टेस्ट सीरीज और ई e बुक्स भी आपको यहाँ पर इनमें इंक्लूडेड मिलती है द प्राइस फॉर दिस इज़ फॉर वन ईयर इज़ सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन एक साल के लिए इसमें आपको जो प्राइस मिलता है वो सेवन का पे करना होता है बट इस सेवन में आपको बहुत सारे बातचीत उनकी ई बुक्स उनकी सीरीज सब मिलता है सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर वहाँ पे फॉर द वन ईयर एंड यू कैन फॉरगेट द टेंशन अबाउट कि भैया मैं पूरे साल कहाँ से पढ़ूँ आप पूरे साल जो है इसे अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ठीक है क्लास कैसी लगी बताइएगा शेयर जरूर की क्योंकि अपने फ्रेंड्स में जो भी प्लान साइंस से तैयारी कर रहे हैं या प्लान जेनेटिक्स प्लान बिल्डिंग से नेट ए एस आर भी दे रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं डू स्प्रेड सम लर्व एंड शेयर द क्लासेस साथ ही साथ कैसे इन बैचेज में एनरोल करना है मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ अपनी वेबसाइट के द्वारा बट यू हैव टू एनरोल थ्रू द एप्लीकेशन एप्लीकेशन का लिंक जो है चैट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ठीक तो है तो यहाँ देखिए ऑल कोर्सेज है ऑल कोर्सेज में आपको यहाँ पर चुनना है एग्रीकल्चर को जैसे ही मैं यहाँ एग्रीकल्चर चुनती हूँ यहाँ जो मेरे पास ऑप्शन होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं एग्रीकल्चर महापैक आई बी पी एस ए एफ ओ यू पी ट्रिपल एस सी ए जी टी ए नाबार्ड जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको चूज कर सकते हैं आई एम ह्यर चूजिंग एग्रीकल्चर महापैक ठीक है क्योंकि इसमें सब इंक्लूडेड है जैसे ही एग्रीकल्चर महापैक को आप टच करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी इसमें 2364 टेस्ट सीरीज हैं 337 ई बुक्स हैं फोर हंड्रेड वीडियोज हैं तो ये सारी चीजें आपको पूरे साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है ठीक है तो आपको ये अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई भी बैच है सही लग रहा है कि हाँ भाई मेरी इससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तो आपको करना क्या है यहां बाय नाउ क्लिक करना है जैसे ही बाय नाउ क्लिक किया देखिए यहां पर कोड ऑलरेडी लगा हुआ जुलाई सेवेंटी फाइव बट इफ यू वॉन्ट सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट तो आपको करना है यहां पर वाई फोर फोर एट ए का इस्तेमाल वाई फोर फोर एट एंड अप्लाई तो ये सेवेंटी फाइव की जगह सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा ये वेबसाइट की फी, आ, फीस है अगर आप एप्लीकेशन से करेंगे तो ये और भी कम हो जाता है तो इतने में आपको जो है पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ठीक है थैंक यू सो मच गाइज मीट इन से कमेंट बॉक्स गुड बाई एंड टेक केयर